तो इस वक्त हम बड़ौदा में हैं और बड़ौदा एक सांस्कृतिक केंद्र की तरह तो जाना ही जाता है, एजुकेशन हब की तरह जाना जाता है, लेकिन गुजरात चुनाव में अब ये बागियों का एक गढ़ के रूप में भी जाना जाता है। और हमारे साथ हैं मधुभाई श्रीवास्तव। मधुभाई, आप 6 बार से विधायक रह चुके हैं और इस बार जब टिकट कटा भारतीय जनता पार्टी से तो आप बागी हो गए और अब आप जो हैं वो निर्दलीय लड़ रहे हैं। आपकी एक अलग ही पर्सनैलिटी रहती है जिसकी वजह से लोग आपको जानते हैं। आप फिल्म भी बना चुके हैं, एक कंट्रोवर्शियल पर्सनैलिटी के रूप में भी आपको देखा जाता है, लेकिन ये जो आप बागी हो गए हैं इससे आपको क्या उम्मीद है कि आप सही में कुछ कर पाएंगे या भारतीय जनता पार्टी का विश्लेषण सही है? एक तो पहली बात है कि मैं बागी नहीं बना हूँ। हाँ। मेरे को बुलाया गया था। हाँ। मैं पहले निर्दलीय चुनाव जीता 1995 में। हाँ। और ऐसे वोट से जीता था मैं। हाँ। कि भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, जनता दल सबके वोट गिनो। हाँ। तो भी उससे भी ज्यादा वोट से मैं हाईएस्ट वोट से जीता था सन 1995 में। हाँ। उसके बाद बीजेपी ने मुझे बुलाया था और 5 दफे बीजेपी ने मुझे टिकट दी। हाँ। और 5 दफे एक ही विस्तार में जीता हूँ। हाँ। जिसका वाघोड़िया 136 मत विस्तार होता है, एक बड़ौदा तालुका आता है, एक वाघोड़िया तालुका आता है। हाँ। दो तालुका का एक विधानसभा विस्तार बनता है। हाँ। और अभी फिर से चुनाव वही 1995 दोबारा, ये चुनाव 5 तारीख को है और 8 तारीख को काउंटिंग होगा। 8 तारीख के काउंटिंग में देख लेना, उसी 1995 में जो वोट मुझे मिला था उससे भी ज्यादा वोट 8 तारीख को मिला। तो आपको कहना है आपको बीजेपी की जरूरत नहीं थी, आप पहले भी निर्दलीय जीते थे और अब आगे भी जीते जाएंगे, उसमें तो कोई दो मत की बात। हाँ। नहीं है ना, बीजेपी को मैंने सपोर्ट करा है। हाँ। निर्दलीय चुनाव जीतकर मैंने बीजेपी को सपोर्ट किया है। हाँ। और जब बीजेपी का वाघोड़िया के अंदर जन्म नहीं हुआ था तो भारतीय जनता पार्टी को मैं चुनाव जीत के लाया हूँ। बड़ौदा शहर में बीजेपी की सीट नहीं थी, मैं जीता था और जया बेन को संसद तरीके जीत। नहीं, लेकिन इस बार बीजेपी ने बहुत तगड़ा एक्सपेरिमेंट किया है। आइए थोड़ा चलते चलते बात करते हैं आपसे, ताकि आपकी इलेक्शन कैंपेनिंग को हम ना रोकें। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, इस बार बीजेपी ने कई सारे विधायकों के टिकट काट दिए, उसमें आपका भी नाम है, तो उनका विश्लेषण ये है कि अब जो उनके हिसाब से जीतने लायक नहीं है उनको हटा दिया जाए, तो ऐसे में आप अपने आप को कहाँ देखते हैं? मेरे 6 टर्म के दरमियान में। हाँ। मेरे वाघोड़िया 136 मत विस्तार में। हाँ। मेरे इंडस्ट्रियल एरिया है, एक वाघोड़िया में इंडस्ट्रियल एरिया है और बड़ौदा तालुका में नंदेसर इंडस्ट्रियल एरिया है। सभी एरिया के अंदर कोई मालिक, कोई मैनेजर, ये मेरे 25 साल के इतिहास में ऐसा कोई कह दे कि भाई मेरी कंपनी में आए और हाथ फैलाया कि चुटनी फंड चाहिए कि पार्टी फंड चाहिए या मंदिर फंड चाहिए, ऐसा 25 साल के इतिहास में एक भी आके बोल दे कि मेरे पैसा लिया है तो जीवन भर का राजकारण छोड़ दो, ये मेरी चैलेंज है। 25 साल के इतिहास में लोगों का दुख सुख का भागीदार बनकर काम किया मैंने। पर मधुभाई, ये भी बोला जाता है कि आप ठीक है, आप बीजेपी के साथ थे, 6 टर्म के विधायक रहे, 95 का आप उदाहरण दे रहे हैं, आप निर्दलीय थे, लेकिन फिर आप ऐसी ऐसी बात बोल देते हैं जो कि पार्टी को आप एम्बेरसिंग सिचुएशन में डाल देते हैं, जैसे कि आपने ये बोल दिया कि जो समर्थन नहीं करेगा उसको गोली मार देनी चाहिए। देखो, गोली तो किसको मारना है। हाँ। आपको ये उस बारे में भी मैं बोला मैं कि मेरे कार्यकर्ता की, मेरे मत क्षेत्र के कार्यकर्ताओं की कोई बेन की मस्करी करेगा या कोई मेरे कार्यकर्ता की कॉलर पकड़ेगा तो अवश्य गोली चलाऊंगा मैं। पर ये तो आप कानून हाथ में लेने वाली बात कर रहे हैं ना, अब इसी सब चीजों से, अब आप सोचिए आपके जो विपक्ष में जो लोग हैं वो बोलेंगे कि ये कैसे विधायक जी हैं जो चुनाव लड़ रहे हैं, खुद कानून अपने हाथ में लेना चाह रहे हैं। कहीं इस सब चक्कर में ये जो आप टोपी पहनते हैं, आप फिल्म स्टार रह चुके हैं, आप बात सुनिए, जब हमारी वजह से तो नहीं कट गई, सुनिए, हमारे हिंदुस्तान पे जो फौजी वार पे खड़े हैं और पाकिस्तान आके बम फोड़ के चला जाएगा तो क्या हम चुप बैठेंगे, उसको पाकिस्तान में जाके भून देंगे हम लोग, तो ये उस तरह से है। मेरे मत क्षेत्र के अंदर मेरे कार्यकर्ता को कोई भी आवाज करेगा तो फिर हम भी उनके घर जाके गोली चलाएंगे। अपने आप को आप भाजपा का इंसान मानते हैं या नहीं? जैसे अगर आप फर्ज कीजिए चुनाव जीत जाते हैं तो फिर आप अपने आप को बीजेपी का हिस्सा मानेंगे या अब हो गया सब अलग अलग हो गया? देखो, चुनाव में जीत रहा हूँ। हाँ।
और चुनाव इतने जंगी बहुमती से जीतने वाला हूँ, और किसको सपोर्ट करना वो तो मेरे कार्यकर्ता और मेरी कमेटी कहेगी कि भाई झाड़ू वाले को सपोर्ट करना है या कांग्रेस को सपोर्ट करना है या भाजपा को सपोर्ट करना है, या देना है। ये तीनों ऑप्शन दे दिए आपने। हाँ, तीनों ऑप्शन दे दिए। मतलब आप भी, आपके लिए खुला है, कांग्रेस भी खुला है, बीजेपी खुला है, और निर्दलीय रहना भी खुला है। निर्दलीय मेरे कार्यकर्ता कहेंगे वही करना है, उनके बदौलत से तो मैं चुनाव जीतता हूँ, और उनके बदौलत से चुनाव जीत कर वो कहेंगे वही करूंगा, वो कहेंगे तो राजीनामा देंगे, दे दूंगा। मेरे कार्यकर्ता कहेंगे वही करूंगा, और जीत निश्चित है, उसमें कोई दो मत की बात नहीं। ऐसा क्यों है कि यहाँ बड़ौदा में ही आसपास अगर आप देखें तो 3-4 ऐसे लोग हैं जिनकी टिकट कटी है और सब निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं? औरों की बात अलग है। मैं निर्दलीय चुनाव जीता था। मैं निर्दलीय चुनाव जीत कर पार्टी में गया हूँ, पार्टी में पहले से नहीं गया हूँ, निर्दलीय जीत कर मेरे को पार्टी बुलाकर ले गई, और मैं 5 दफे चुनाव लड़ा। 5 दफे चुनाव के दरमियान में बीजेपी के सिंबल पे, पर मैंने चुटनी का एक फंड भी 1 रुपया नहीं लिया पार्टी के पास से। पार्टी को मैंने उल्टा फंड दिया होगा उनका कुछ कार्यक्रम के लिए, पर मैंने कभी पैसा लिया नहीं। मेरे ख्याल फिल्म भी बनाई थी आपने, गुजरात का लाइन आपकी एक फिल्म थी। हाँ, लाइन ऑफ गुजरात बनाई थी, लाइन ऑफ गुजरात बनाई थी, और लाइन ऑफ गुजरात के अंदर मैंने इंस्पेक्टर का रोल बजा था। अच्छा, आप इंस्पेक्टर बने थे? यस, इंस्पेक्टर बनकर रोल बजा था, और धारा सभ्य बना था। दो डबल रोल में मैंने काम किया था। अच्छा, और डबल रोल में काम करके शूटिंग भी मैंने ऐसी की थी, डबल डेकर पर फाइट करी थी, और डबल डेकर पर कोई भी स्टैंड नहीं था, बिल्कुल खुला सपट था, और वहाँ फाइट मैंने करी थी, कम से कम आधा घंटा फाइट कर दी 5 जन के साथ। मैं अकेला लड़ा था और अकेला लड़के बाहर निकला। वो तो फिल्मी लड़ाई थी, वो तो फिल्म में तो आप 100 लोगों से लड़ लीजिए, असली मैदान में क्या हो? मैंने मेरी जवानी में 50-50 के साथ अकेला लड़ा हूँ। अच्छा, 50-50 आदमी के साथ लड़ा हूँ। उस टाइम पे टॉकीज का जमाना था, अल्पना अप्सरा विहार टॉकीज का जमाना था। उस टाइम पे 50-50 के साथ अकेला लड़ा था वो। शेर तो अकेला जंगल में चलता है, और शेर ही रहता है। एक मेरा आखिरी सवाल ये है, बड़ौदा में और आपका जो क्षेत्र है वागोड़िया और ये तमाम क्षेत्र के लिए आज प्रधानमंत्री एक रैली कर रहे हैं। जाहिर सी बात है, प्रधानमंत्री अपना पूरा बल, पूरा सहयोग अपने कैंडिडेट्स को दे रहे हैं, ऐसे में आप अपने आप को कहाँ पाएंगे? देखो, मैं हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। उनके साथ जब कार्यकर्ता थे, प्रचारक थे नरेंद्र मोदी जी बड़ौदा में, उनके साथ मैं स्कूटर पे चलाऊँ उनको बिठाकर, नरेंद्र मोदी जी को एक हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री मानता हूँ। नरेंद्र मोदी को पूरे दुनिया के अंदर अच्छा काम करा उनको मैं मानता हूँ, उनके लिए बुराई नहीं कहता हूँ, वो तो आगे बढ़ते जाए उसके लिए मेरा धन्यवाद है। अच्छा, उनके खिलाफ कुछ नहीं बोलेंगे? उनके खिलाफ बोलना जरूरी नहीं है ना। वो बीजेपी में है, वो बीजेपी के कैंडिडेट के लिए प्रचार कर रहे हैं, तो आपके तो प्रतिद्वंदी हुए ना। वो प्रचार करेंगे तो मेरा ही करके जाएंगे, आप देखना कैसे आज वो अपने जने का प्रचार करेंगे, आपका थोड़ी करेंगे। आज के नौ लकी आपको तो समझा रहे थे कि मत लड़ो निर्दलीय, आप फिर भी लड़ रहे हैं। अरे, उनने बोल दिया होता तो लड़ने की सवाल ही नहीं होता है। अमित शाह ने भी बोला होता कि मत लड़ो तो नहीं लड़ता मैं तो एक जवान का पक्का आदमी हूँ, प्राण जाए पर वचन ना जाए। आपको किसी ने ये नहीं बोला कि मत लड़ो? आप कह रहे हैं कि अगर मोदी या अमित शाह ने बोला होता तो आप फिर नहीं लड़ते? नहीं लड़ते, सही बात है। जिस तरह रूपानी जी को मांग लिया, नितिन भाई का मांग लिया, इन लोगों ने सबका मांगा, तो मेरा ही मांग लिया होता मैं दे देता, मैं नहीं लड़ता और पार्टी का सेवक बन के सेवा करता। पर मेरे को टिकट देने का बोला, मीडिया में आ गया, कंफर्म हो गया। चिल्ली तक पर नीचे के लोगों ने जो इनका स्वार्थ था, और स्वार्थ के लिए मेरी टिकट कट करी है, इसलिए मेरी प्रजा नाराज है, मेरा कार्यकर्ता नाराज है, मेरी सब लोग दोस्त नाराज है। उन लोगों ने कहा कि आपको निर्दलीय लड़ना है, 1995 में जिस तरह निर्दलीय लड़े थे, ऐसे वोट मिले थे, ऐसे वोट दिलाएंगे, आप लड़ो मधु भाई, आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ में। अच्छा मधु भाई, ये बताइए, ये जो आप ये पहनते हैं, मैं देखता हूँ आपके समर्थक भी ये सब पहनते हैं, ये इसका वैल्यू क्या है? ये सब मंत्र मंत्रेला है। हाँ। कोई बापू ने मंत्र के दिया है, कोई महाराज ने मंत्र के दिया है। हाँ। ये वो मंत्र है। हाँ। कि मंत्र के लिए कोई हमको छू नहीं सकता है, या कोई हमको खराब नहीं कर सकता। हाँ। अच्छा,
कोई हमको मूड नहीं मार सकता, कोई हम पे जादू नहीं मार सकता। हाँ। इसलिए मंत्र के पैर, मंत्रा के वो पैर है। हाँ, हाँ। चलिए, बहुत बहुत बधाई आपको और शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। थैंक यू।